हेलो व्यूवर्स, आज मैं उपवास के लिए दो बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर के आई हूँ आपके सामने। दो रेसिपी मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे मखाना खीर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और उसमें कुछ मखानों को मैंने भिगो दिया है। लगभग 50 ग्राम मखाने मैंने भिगोए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। यहाँ पे मैंने केसर डाला है दूध में और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए, हमें बहुत अच्छे से पकाना है इसको, दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। अब मैंने इसमें खसखस भी डाल दिया है, खसखस यानी पोस्ता दाना। देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से हिलाते रहना है। अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी, बादाम, चिरौंजी, काजू और पिस्ता। इन सबको भी मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद में इसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी को लास्ट में डालना है फ्लेम को ऑफ करने के बाद में, और अच्छे से मिक्स करके ढक करके रख देना है 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं खीर को निकाल लूँगी। खीर थोड़ी ठंडी हो चुकी है, चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब कोकोनट को मैंने क्रश कर लिया था। इसके ऊपर से अब हम क्रश किया हुआ कोकोनट भी डालेंगे। देखिए, खीर कितनी अच्छी बन गई है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इलायची का पाउडर भी डाला है, छोटी इलायची पाउडर, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। खीर हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं लौकी के कटलेट बनाऊंगी, जिसके लिए लौकी को मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है आटा कुटू का। लौकी को क्रश करके मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब इसका पानी निकाल लेंगे अच्छे से प्रेस करके। अच्छे से सारी लौकी से पानी निकाल लेना है बहुत ही अच्छे से। अब इसमें मैं आटा मिक्स करूंगी। नमक, सेंधा नमक डाला है यहाँ पे मैंने। लाल मिर्च पाउडर, अब आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका डो बना लेना है हमको। पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने इसमें डाले हैं भून करके थोड़े से। पानी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि लौकी में पानी होता है, उसी से ही हमारा आटा तैयार हो जाता है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब हाथों में ऑयल लगा करके अच्छे से रोल करते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से सारे कटलेट हम बना लेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और कुछ डिफरेंट मिलता है खाने के लिए व्रत में हमें। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे।
अब इसको पलट लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अच्छे से हमें फ्राई करना है इसे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, चलिए चटनी भी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च ले ली है। इसको हम पीस लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें सारे कटलेट्स को फ्राई कर लेना है। चटनी मैंने धनिया पीस लिया था, अब इसमें मैंने दही मिक्स किया है और सेंधा नमक, इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है, कटलेट भी तैयार हो गए हमारे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।